हीरे अपरंपार, तेरी माया बहुत अच्छे की सोची पड़ती को ना जो मानस के मन में हो, मन की सोची पड़ती को ना जो मानस के मन में मन में हो, मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में और मन की सोची बढ़ती कोन्या जो मानस के मन में मन में। सजनों, पहली कली के माध्यम से बताया, उस दुर्योधन ने भी कुछ अपने मन में सोचा, पर बताया सजनों, मन की सोची कदे पूरी नहीं है करती। नंबर पहली कली के माध्यम से प्रेमी सजनों क्या लिखा और क्या बताया, कैसे पार बसाई हो, एकदम अग्नि सर पे चढ़ी कोन्या पार बसाई, दिखे भेद खोल के देखने लगा कुफ्ती मोरी पाई, छह जीव मरे जल के सजनों दुनिया देखन आई हो, मरे जल कहो दुनिया देखने आई, हेरे 101 पेट में देके 101 पेट में देके अग्नि करी वचन के, मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में हो, मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में लिखी और अच्छे दिल के साथ सच्ची भी लिखी, सत्यता बताई सजनों। नंबर दो में उस रावण के बारे में जिक्र करा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इंसान चाहे कितना भी शिखर पे चढ़ जाए पर उसके अंदर मैं नहीं आनी चाहिए, घमंड भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक कहावत भी है कि घमंड तो राजा रावण का भी नया रहा सजनों। नंबर दो में बताया उस रावण ने भी अपने मन में कुछ सोचा,
कुछ विचार किया, परंतु सजनों उसकी भी मन की मन में ही रह गई। नंबर दो में क्या लिखा और क्या बताया? कैसे? सब दुनिया आराम करेगी, जल का धूल बनाऊं मैं। जल की काई अग्नि का धुआं इसने दूर हटाऊं मैं। बाप ते पहले ओ मां ते पहले मरे न बेटा, ये भी कस उठाऊं मैं। ये भी कष्ट मिटाऊं मैं। दूर कहते कहते आगी मूर्छा, कहते कहते आगी मूर्छा, आग लगी सुवर्ण में। मन की सोची बनती कोड़ा जो मानस के मन में हो। मन की सोची बनती कोड़ा जो मानस के मन में। दशरथ जी के बारे में जिक्र करा, बताया सजनों कि समय बलवान है, नर बलवान नहीं है। बताया कि क्या पता था कि एक रात में तो रामचंद्र जी को पूरा राजपाट सब कुछ मिलने वाला था। हाँ। और एक रात में सजनों सारा किस्मत ही पलट गई। हाँ। 14 साल के लिए वनवास काटने भेज दिया। नंबर तीन के माध्यम से सजनों क्या लिखा और क्या बताया सुनेगा? हाँ। हाँ। बता दे। तिलक दियूं कर लियूं मन के चाहे हो। रामचंद्र ने राज तिलक कर लियूं मन के चाहे। और चरत भरत की माता ने वा महलों बीच बुलाए। 14 साल का दिया दसोटा खोटे वचन सुना। 14 साल का किया छोटा खोटे वचन सुनाए। हेरे नीचे का दम नीचे रह गया, नीचे का दम नीचे रह गया, ऊपर चढ़िया गगन के माँ। मन की सोची बढ़ती कोना जो मानस के मन में हो। मन की सोची बनती कोना जो मानस के मन में।
कवि अपनी कविता लिखता है, रागनी लिखता है, भजन उपदेश बनाता है, अंत में अपनी नाम की छाप जरूर लगाता है। हमारे हरियाणा के सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद जी ने पूरी रागनी का निचोड़ करा और अंत में पूरी रागनी का निचोड़ कर कर बताया कि इंसान चाहे कितना भी शिखर पर क्यों ना चढ़ जाए, परंतु उसे अपने पहले दिन पिछले दिन नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि जो समय होता है, समय तब जब चाहे राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे। और आखिर और अंतिम कली में बताया, एक गाने वाले को गाना चाहिए तो किस प्रकार गाना चाहिए, हाँ। आखिरी बात में क्या लिखा, छन में राजा, छन में कंगला, छन में राजा, छन में कंगला, समय निभाड़ी चाहिए रे, काल करे सो ईब कर ले एक पल ना लाण चाहिए, हो काल करे सो ईब कर ले एक पलना लानी सही है। फिर पुण्य बात की चर्चा न करे, दिल में ठाणी चाहिए, बाप सुनो चाहे बेटा सुन लो, सभा में गाणी चाहिए, हो बाप सुनो चाहे बेटा सुन लो, सभा में गाणी चाहिए। श्री लक्ष्मी चंद कहे इब तो संभलो, लक्ष्मी चंद कहे इब तो संभलो, लागो हरि भजन के मां, मन की सोची बढ़ती कोटा, जो मानस के मन में हो, मन की सोची बढ़ती कोटा, जो मानस के मन में सोची बढ़ती कोटा, जो मानस के मन में हो।